आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है टू पक्स आर इनिशियली मूविंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन। तो दोनों फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मूव कर रहे हैं। ये जो सरफेस है ये कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। तो ये सरफेस म्यू इनका जीरो है। द पक्स हैव मासेस m1 लेस देन m2। तो m1 जो है वो m2 से कम है। एंड बिगिन विद इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो दोनों का मोमेंटम सेम है, यानी कि इसका मोमेंटम p इस डायरेक्शन में और इसका मोमेंटम p इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इधर p है, इसका p इधर है, दोनों मोमेंटम सेम है। ठीक है, कॉन्स्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड टू ईच पक डायरेक्टली टू द राइट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ नॉन जीरो टाइम। तो इस पर जो है कि पी जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ, और इसको आप लिख सकते हो एफ इंटू डेल्टा टी, इतना चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो रहा है और इतना चेंज इन मोमेंटम इसमें भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, कितना? एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, एफ इंटू डेल्टा टी, इतना चेंज इस डायरेक्शन में हो रहा है। देखो हो क्या रहा होगा कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, रिजल्टेंट के रिलेशन आपसे पूछा है। देखो सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का कि आप ये देखो कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर इधर है और इसके साथ इसका एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, और दूसरा जो आपके पास वेक्टर है उसके उसका जो एंगल है वो है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा कि अगर दोनों वेक्टर सेम है, मतलब ये P है तो ये भी P है, दोनों वेक्टर P हैं और ये भी वेक्टर दोनों सेम है, ये वेक्टर को अगर आप P2 या P डैश मान लो तो ये भी P डैश है। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, दोनों का रिजल्टेंट पता करना है। जो दोनों का रिजल्टेंट होगा, अगर दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो जो R होगा P R वो हो जाएगा P डैश का स्क्वायर प्लस का P का स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स P1 P2 इंटू कॉस फाइव। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि जिसका कॉस ज़्यादा होगा उसका आर ज़्यादा होगा। तो P1 के केस में कॉस कितना है? 45, कॉस 45, और P2 के केस में कॉस है कॉस 30। तो सबको पता है कि कॉस 30 इज ग्रेटर देन कॉस 45, तो इसका मतलब P2 जो होगा P1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं सिर्फ वेक्टर का क्वेश्चन है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक इधर है एक इधर है, दोनों का रिजल्टेंट, और इधर वेक्टर है एक इधर है, दोनों का रिजल्टेंट। तो आपको पता है कि अगर एंगल जिसका कम होगा उसका कॉस बड़ा होगा, तो इन दैट केस ऑप्शन वन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हमने वेक्टर किया, और यहाँ पर क्या है कि इधर इस पर भी एफ डेल्टा टी लग रहा होगा, तो सेम मोमेंटम है, इधर पर भी सेम मोमेंटम का चेंज है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।